हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल। देखिए, अभी हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, जिस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चंस पेपर कवर कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर में 2018 का हम लोग पहले क्वेश्चंस पेपर और किए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 वो मैथ का क्वेश्चंस किए थे जो प्रीवियस ईयर का था। टोटल 50 को क्वेश्चन पूछता है और 41 क्वेश्चन तक कवर हम लोग हो चुका। तो 41 के बाद जो और 9 क्वेश्चंस बचा हुआ है, वो 9 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले वाला लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पढ़े आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पढ़ने से बहुत बेनिफिट है आपको, क्योंकि सबसे पहले कि आइडिया हो जाएगा आपको कि हाँ किस तरह का क्वेश्चंस पूछता है, और आइडिया हो जाएगा तो आप उसी के बेसिस पे ना पढ़िएगा, एक्स्ट्रा तो नहीं कुछ पढ़िएगा। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में यही ध्यान देना रहता है कि क्या क्या चीजें आपको छोड़नी है, जो जो चीजें आपको छोड़नी है वो चीजों को पहले आप छोड़िए, तब जो जो काम का चीज है वो वाला पढ़िए। नहीं तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट लोग होंगे जो 10th का होंगे, उन लोगों को तो दिमाग में भर गया होगा कि नहीं हमको सब ही पढ़ देना है। नहीं, सबसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। कंपटीशन एग्जाम निकालने का टेक्निक होता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस ही कवर करना है, पूरा सिलेबस तो कवर करना है, लेकिन उसमें से भी बहुत बहुत सारा चीज ऐसा होता है ना जिसका कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो उधर समय देने से बढ़िया है कि जो जरूरत चीज है, जो मतलब चीज है उसको पढ़िए, तब तो एग्जाम क्रैक होगा। तो यही है, कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए मेन दिमाग में यही चीज रखना है कि हमको क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ताकि उधर से हमको समय बचे, और उधर समय मिलेगा तो जो मेरे को जरूरी चीज था वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का 41 नंबर का क्वेश्चन हो गया था, आज हम लोग करेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन, 42 से 50 नंबर तक। तो देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन बोलता है कि 2 गो आदमी और 7 गो लड़का एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर बोलता है 4 आदमी और 4 लड़का उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये देखिए, ये अगर आप इसको बनाने लगिएगा ना तो बहुत लंबा चौड़ा में जाएगा, बहुत लंबा बनता है, लेकिन उतना लंबा हम लोगों को बनाना नहीं, हम एक प्रोसेस बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक से आप मात्र 2 से 3 लाइन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन करेगा। जब हम लोग 2019 वाला या 2020 वाला क्वेश्चन करेंगे ना, या 2021 वाला, तब देखिएगा वहां पे यही वाला क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया हुआ है। तो इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। इंग्लिश क्या, 2 men and 7 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, ठीक है। 4 men and 4 boys कैन डू द सेम वर्क इन 3 days, देन द नंबर ऑफ वर्क्स ए बॉयज टेक्स ए कंप्लीट द सेम जॉब। मतलब कि एगो कोई बच्चा या एगो कोई लड़का उसी काम को, सेम जॉब को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चंस बोलता है। तो बनाते हैं, हम लोग को बोलता है क्या, अच्छा ऐसा ऐसा क्वेश्चंस में किस तरह से बनाना, हम लोग को बोल रहा है 2 आदमी और 7 लड़का एक काम को 4 दिन में करते हैं, तो कैसे करेंगे। देखिए 2 men plus में 7 boys, कोई एक काम है उस काम को कितना दिन में कर दे रहा है, जितना दिन बोले उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू, काम तो सेम कर रहे हैं दोनों सिचुएशन में, तो सेम काम हो रहा है यानी काम इक्वल हो रही है, तो सेकेंड में क्या बोलता है, 4 आदमी और 4 गो लड़का, तो 4 men plus में 4 गो boys, ये कितना दिन में कंप्लीट करना, ये 3 days में, यानी दोनों सेम काम है। मान लेते हैं आपको 100 गो ईंटा कहीं पे सरिया देना, अच्छे से अरेंज कर देना, तो उसको अरेंज करने के लिए 2 गो आदमी और 7 गो लड़का लो, बच्चा लोग 4 दिन का समय ले रहा था, और वही 100 गो ईंटा को अरेंज करने के लिए कोई फिर दूसरा लोगों को बुलाएगा, तो दूसरा लोग में 4 को आदमी और 3 को बच्चा, वही 100 गो ईंटा को क्या दिन में अरेंज कर दिया, 3 दिन में अरेंज कर दिया। तो फिर बोलता है कि अगर अकेले एगो बच्चा को यानी एगो लड़का को लगा दिया जाता 100 गो ईंटा को अरेंज करने में, तो कितना समय लेता, यही पूछ रहा है।
तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, मैन और बॉयज के बीच का एक रेशियो निकालते हैं। तो क्या निकलेगा, 4 × 8 प्लस 7 × 28 बॉय बराबर 4 × 12 मैन प्लस 4 × 12 बॉयज। देखिए तो ये 28 बॉयज है, ये 4 × 12 28 बॉयज है, ये 12 बॉयज को यहाँ लाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 16 बॉयज, यहाँ 12 मैन है, इस 8 मैन को यहाँ लाएंगे तो 4 मैन मिलेगा, 4 से काटेंगे तो 4 × 16 यानी बॉयज, ये मैन इधर आ जाएगा, बॉयज अपॉन मैन बराबर यहाँ से मिलेगा 1/4। यानी बॉय पहला टारगेट यही रखना। कभी कभी यहाँ पे बोलेगा ना कि आदमी और औरतों की संख्या दे देगी, 4 आदमी 10 औरत कोई काम को इतना दिन में करते हैं, 5 आदमी 8 औरत इतना दिन में करते हैं, तो एक औरत उस काम को कितना दिन में कर देगा, सॉरी कर देगी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस का पैटर्न सेम रहेगा और सॉल्यूशन भी सेम रहेगा। अगर आदमी औरत का पूछे तो वहाँ पे आदमी और औरत के बीच का रिलेशन निकाल लेंगे। फिर यहाँ से हमको क्या बोलता है कि इसी सेम काम को एक बॉयज कितना दिन में करेगा। तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज, बॉय नंबर ऑफ बॉय का एगो था, एगो लड़का कितना दिन में करेगा, दिन से मल्टीप्लाई करते थे तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर। ये दोनों में से क्या करना, कोई भी एगो को ले लेना, एगो जैसे सपोज करते इसको उठा लेते, यानी किसी को भी, क्योंकि सेम ही वर्क ना हमको करवाना है, तो ये दोनों भी क्या है, दोनों सेम सेम वर्क ही कर रहा है, और ये वो लड़का भी क्या है, ये भी सेम ही वर्क करेगा, यानी एक एक काम को सब कर रहा है अलग अलग समय में। तो फिर और चेक कर रहा है कि हम 10 दिन में कर दे रहे हैं तो भाई तू कितना दिन में कर देगा, कर तू, चैलेंज नहीं लगाते हैं, चल हम यहाँ सुबह तक दौड़ जाबो, तो तू ऐसे करके होता है ना चैलेंजिंग, तो वही है चैलेंजिंग। तो एक लड़का इसको कितना दिन में कर देगा, तो देखते हैं दोनों में से कोई एक उठाते, सपोज करिए इसको उठा देते हैं, 2 मैन + 7 बॉयज × 4 यही तो वही काम कर रहा है ना, बस इसका खाली मैन और बॉय का वैल्यू रख दीजिए। बॉयज बराबर क्या है 1, यानी 1 × t हमको पूछ रहा था, मैन बराबर क्या है, मैन बराबर 4, तो 4 × 8 यहाँ से आ जाएगा, प्लस बॉय बराबर कितना है 1, यानी 7 × 1 = 7 हो जाएगा, 8 × 7 = 15, 15 × 4 = 60, यानी टाइम बराबर कितना लगेगा 60 डेज। यानी अगर एगो बालक को लगा दिया जाए, एगो बच्चा को लगा दिया जाए, तो जो ये सब मिल के काम कर रहा था, कोई 4 दिन में कर दे रहा था, कोई 3 दिन में कर दे रहा था, तो अगर अकेले एगो बच्चा को लगा दिया जाए ना तो 60 डेज का समय लगेगा, 60 दिन का समय लगेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट। ठीक है हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट 42 के बाद 43, यही तो करना था। अब देखिए 43 हम लोगों को क्या बोलता है, 43 हम लोगों को बोलता है कि एक परीक्षा में, देखिएगा ये भी क्वेश्चन शानदार है इसमें भी, यानी 41 से 50 के बीच वाला सीरीज भी बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाते हैं। आप लोग का भी एग्जाम होता है ना, उसमें एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो उसमें 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा सही में से, यानी आपका निगेटिव मार्किंग होता है, इसलिए निगेटिव मत करके आइएगा। बोलता क्या है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी को 120 प्रश्नों के उत्तर देने पर, यानी 120 गो क्वेश्चंस को उत्तर दिया लेकिन आया कितना, 90 नंबर ही आया, यानी 120 गो क्वेश्चंस का आंसर दिया तो 120 नंबर आना चाहिए था ना, लेकिन उसको आया 90, यानी वो कुछ ना कुछ निगेटिव मार्किंग करके आया होगा। तो बोलता है कि उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो कितना क्वेश्चंस का वो सही उत्तर दिया, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो बगल में इंग्लिश है, इन एन एग्जामिनेशन 1 मार्क्स इज अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स अवार्ड किया जा रहा है प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए, वाइल 1/4 मार्क्स इज डिडक्ट फ्रॉम द एवरी रॉन्ग आंसर, प्रत्येक गलत आंसर से 1/4 मार्क्स निकाल लिया जा रहा है। इफ़ योर स्टूडेंट्स गेट 90 मार्क्स बाय आंसरिंग 120 क्वेश्चंस, अगर स्टूडेंट 120 को क्वेश्चन सही दे रहा है तो 90 मार्क्स उसको मिला, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड सी आंसर करेक्टली, तो कितना क्वेश्चंस को सही सही आंसर दिया, ये पूछ रहा है। सपोज करते हैं कि सही सही क्वेश्चंस को सपोज करते हो, एक मतलब जितना क्वेश्चंस था उसमें से सही क्वेश्चन कितना बनाया हो x, यानी सही क्वेश्चनों की संख्या लिखते हैं, सही जो उसका प्रश्न था सही प्रश्नों की संख्या लिखते हैं, यानी जो राइट प्रश्न था राइट प्रश्नों की संख्या x,
और गलत प्रश्न, गलत प्रश्न कितना बनाया हुआ है, और जब सही प्रश्न और गलत प्रश्न दोनों बना रहा था तो टोटल कितना प्रश्न बना, उसको 120, यानी टोटल 120 था, उसी 120 में से ना x सही हुआ और y गलत हुआ, यानी ये वो इक्वेशन ये पूछ रहा बना। फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है कि उसको 90 नंबर मिला। अच्छा 90 नंबर कैसे मिलेगा, देखिएगा सही प्रश्नों की संख्या x है, इसमें से एक नंबर उसको मिला होगा, ठीक है। सही प्रश्न मान लेते पांच गो था, तो पांच गो में पांच गो क्वेश्चन सही था, पांच गो में क्वेश्चन सही था, तो एक गो क्वेश्चन में एक नंबर मिल रहा था, तो पांच गो क्वेश्चन में पांच नंबर मिला होगा, ठीक है। जबकि क्या बोलता है, जबकि टोटल मार्क्स कितना आया था 90, यानी सही क्वेश्चन एक था, उसमें एक से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का था, उसमें से वाई गो तो भाई गलत भी तो किया है ना, और वाई गो क्वेश्चन गलत किया, और प्रत्येक गलत में कितना मार्क्स उसको काटा जा रहा था, 1/4 मार्क्स काटा जा रहा था, तो 1/4 मार्क्स काटा जा रहा था। जब सही में से उसको काट कूट के जब मार्क्स दिया तो प्राप्त कितना हो रहा है, उसको 90 नंबर प्राप्त हो रहा है। तो एक सेकेंड इक्वेशन ये बनेगा, यानी x माइनस वाई बाई फोर बराबर 90, तो ये तो ये चार यहाँ ले जाएंगे, 4x माइनस वाई, ये चार इधर चला जाएगा, तो 9 × 36 = 360। सेकेंड इक्वेशन ये बन गया। तो हमसे क्या पूछता, हमसे पूछता है क्वेश्चन, उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, यानी सही प्रश्नों की संख्या बराबर x, तो x का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है, क्या वो सही उत्तर दिया, तो उसको जाके 90 नंबर आया। तो यहाँ से निकालिए, तो अच्छा दोनों इक्वेशन को सोल्व करते, इसको नीचे ले आते, x प्लस वाई बराबर 120, वाई से वाई कैंसिल आउट, 4 × 5y बराबर 0 × 6 = 2 = 8, 3 × 4 = 48, तो यहाँ से वाई बराबर 4 × 9 = 9, 5 = 45, 45 × 3 = 30, सॉरी यहाँ पे x होगा ना, 6 × 5 = 30, यानी x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 96। तो 96 क्वेश्चंस को क्या किया, सही सही आंसर दिया है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 96, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। तो 43 हो गया, बात है 44 में, 43 के बाद 44 देखिए क्या, ये दो का क्वेश्चन संधार क्वेश्चन था, ये मतलब थोड़ा सा ये सब दिमागी वाला क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े हुए हैं ना तो उतना भी दिमाग नहीं लगेगा जो नहीं बना पाइएगा। देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि x बराबर a साइन थीटा, y बराबर b टैन थीटा दिया हुआ है, तो हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में अपॉन में y स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो a अपॉन x का होल स्क्वायर, तो a अपॉन x निकालते हैं, देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ लिखते हैं 1, ये साइन थीटा को इन्हें ले आते हैं, a को अपने जगह रखते हैं, इस x को इन्हें ले आते, तो a अपॉन x मिल जाएगा, यानी a अपॉन x बराबर साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कॉसेक थीटा। अब यहाँ a स्क्वायर है तो स्क्वायर मीन्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या चाहिए, b अपॉन y, इससे निकालते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे भी वही करते हैं, 1/tan θ इधर ले आते हैं और यहाँ पे b अपॉन में y हो जाएगा, और tan थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा sec थीटा, यानी b अपॉन y माइनस के साथ तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, नहीं tan था ना नीचे, tan को ऊपर लेगेंगे तो cot होगा ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा cot। अब देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1 बोले तो ऑप्शन बी। 44 हो गया, और क्वेश्चन नंबर देखिए 45 बोलता है क्या, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड 3:7 के अनुपात में, तो उन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ध्यान रखिएगा अगर दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है, तो सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, तो उसका जो एरिया होता है, एरिया जो साइड है ना, उस साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है ना, तो दो समरूप त्रिभुज साइड क्या दिया हुआ है, 3:7 दिया हुआ है, तो उसका एरिया क्या होगा, जब सिमिलर है तो 3 × 3 = 9 / 4 × 4 = 7 / 7 = 49, यानी 9:49, ठीक है ना, तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी 45 का 9:49 ऑप्शन बी करेक्ट। 45 के बाद देखिए 46, देखिए 46 हम लोगों को क्या बोलता है, 46 बोलता है कि 40 मानों का एक सेट का मीन 65 है,
40 मानों का एक समुच्चय का समांतर माध्य 65 है। यदि 40 मानों को प्रत्येक में 5-5 बढ़ा दिया जाए तो मानों का नया जो समुच्चय बनेगा, नया जो सेट बनेगा, उसका मीन निकालने के लिए बोल। द अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ फोर्टीज वैल्यूज 65। इफ द फोर्टीज वैल्यूज इंक्रीज बाई 5 देन द मीन ऑफ द न्यू सेट इज वैल्यू। देखिए हम लोग को क्या बोलता है, 40 वो नंबर है यानी x1 x2, क्वेश्चन नंबर कितना है 46, x2 x3 कहाँ तक जाएगा, x40। जब इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग को मीन निकलता है, तो मीन कितना दिया हुआ है 65। मीन यही ना होता है माध्य, कि जितना टोटल नंबर है सब नंबर को जोड़ दो और उतना ही नंबर से, जितना टोटल नंबर है उतना नंबर से डिवाइड कर दो, मीन निकल जाएगा। अब क्या बोलता है, 40 मीन को 5-5-5 बढ़ा दिया गया, यानी प्रत्येक में क्या है, देखिए प्रत्येक में 5-5 जोड़ दिया, x1 + 5 + x2 + 5 + x3 + 5 सब में 5-5-5-5 जोड़ दे रहा है, तो x40 + 5 यानी सब में 5-5 जोड़ दे रहा है, तो नंबर वा तो 40 ही रहेगा ना, नंबर वा तो 40 ही रहेगा, तो टोटल 40 ही रहेगा। अब बोलता है कि इसका नया मीन जो निकलेगा वो नया मीन क्या निकलेगा, तो देखिए जहाँ पे भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि प्रत्येक में 5-5-5-5 जोड़ दे रहा है, प्रत्येक में 5-5-5-5 घटा दे रहा, मल्टीप्लाई कर दे रहा, डिवाइड कर दे रहा, तो उसका जो रिजल्टेंट मिलता है ना, जो शुरू वाला मीन था अगर जोड़ रहा है तो इसमें भी आप जोड़ दीजिए, तो 65 और 5 70, तो इसका मीन क्या निकल जाएगा 70। अगर बोलता है कि प्रत्येक में 5-5-5-5 घटा दे रहे हैं, तो जो शुरू वाला मीन था ना ओरिजिनल मीन, उस ओरिजिनल मीन में से 5 घटा दीजिए, तो वही क्या हो जाएगा, नया का जो मीन बनेगा नया मीन आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 70, ऑप्शन नंबर बी। अगर गुना करे तो गुना कर दीजिए, डिवाइड करे तो डिवाइड कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। 46 के बाद 47। देखिए 47 भी शानदार है क्वेश्चन, थोड़ा सा 47 का क्वेश्चंस का लेवल अलग है, 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ना। तो बोलता है क्या है, बीचर मान 3, 4, 6, बीचर मान क्या है 3, 4, 6, 7, 8, 14 के विचलनों का उसके माध्य से योग्य है। इंग्लिश में देखिए क्या बोलता है, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएंट वैल्यूज 3, 4, 6, 7, 8, 14 फ्रॉम देयर मीन इज। तो देखिए कैसे ये निकाला जाता है, सबसे पहले ये डाटा दिया, इस डाटा का ना मीन निकालिए, सबको जोड़िए, तो 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14 + 6, 20, 20 + 8, 28, 28 + 10, 38, 49 + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 + 7, 42 यानी x बराबर 7। अब हमको क्या बोलता है, डेविएशन ऑफ द वेरिएंट वैल्यू, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएंट वैल्यू, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेविएशन ऑफ वेरिएंट वैल्यू कैसे निकलेगा, सो देखिए डेविएशन ऑफ variate वेरिएंट वैल्यूज कैसे निकलता है, सो देखिए, और जितना निकलेगा वेरिएंट वैल्यू जितना भी निकलेगा वो सबका सम बोल रहा है, तो प्रत्येक का क्या निकलेगा, प्रत्येक का वेरिएंट वैल्यू निकलेगा प्रत्येक का, तो 3 का वेरिएंट वैल्यू कैसे निकलता है, इस 3 में से क्या करिए, ये जो एक्स बार है उस एक्स बार को घटा दीजिए 7, क्या आ जाएगा, 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। अब बचा 4 का निकालिए कितना निकलेगा, 4 इसमें प्रत्येक में से क्या करना, एक्स बार घटा देना, -3 निकलेगा, फिर आया 6 में से 7 घटाएंगे तो क्या निकलेगा, -1, फिर कितना है 7 - 7 करेंगे तो 0, फिर 8 है, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, फिर कितना है 14 है, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, 7, 14। अब ये जो निकला ये सब क्या निकला, वेरिएंट वैल्यू, ये सब को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और यही फाइनल आंसर आएगा, 4 और 3 = 7 + 1 = 8, 7 + 1 = 8, सबको जोड़ेंगे ऊपर माइनस नीचे प्लस, फाइनल 0 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब इसके बाद 47 के बाद 48, ये 47 नंबर का क्वेश्चन था, 47 के बाद 48, तो ये मेरे को क्या दिया होगा, वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2
तीन डिग्री, टेन, एटीन, नाइन डिग्री तक जा रहा है। देखिए इस तरह का वैल्यू अगर कहीं पे भी दे तो कैसे वैल्यू निकालेंगे। ऐसा ऐसा अगर बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो क्या करिए शुरू और लास्ट वाला देखिए। अगर शुरू और लास्ट वाला मतलब कि आपको दो जोड़ा लगा देना, अगर शुरू और लास्ट वाला मिला के दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाए और बीच में मल्टीप्लाई, तो उसका वैल्यू वन आता, यानी टेन एक डिग्री इंटू अगर टेन 89 डिग्री करे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, वन। कैसे सो देखिए, एक डिग्री को एक डिग्री रखने देंगे, टेन 89 को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस एक, और 90 माइनस एक बराबर कॉट थीटा, यानी टेन एक डिग्री इंटू यहाँ पे आ जाएगा कॉट एक डिग्री। और देखिए तो टेन एक डिग्री कॉट एक डिग्री को तोड़ेंगे तो वन बटा टेन एक डिग्री, कटेगा कटेगा फाइनल क्या वैल्यू निकलेगा, वन। ठीक ना। तो देखिए फिर यहाँ से क्या निकलेगा, टेन यहाँ से कटेगा तो वन। तो इसी तरह अब देखिए टेन टू से यहाँ से क्या मिलेगा, टेन 88 वाला मिलेगा, इसके पहले 87 से तीन, इसी तरह कटते जाएगा, टोटल क्या गो था 89 गो। अब ले लेते हैं 89 से एक कम करिए, बीच एक गो बचेगा क्या, टेन स्क्वायर 45 डिग्री बेचारा अकेले बच जाएगा, एक से नवासी खत्म, दो से 88 खत्म, ऐसे ही खत्म होते जाएगा। तो 44 दूनी 88 तो सब में 1111 मिलेगा, और बीचे बचेगा 10^45 डिग्री, 10^45 का भी वैल्यू क्या होता है 11 का स्क्वायर मीन्स 1, और सब में 11111 मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या हमको निकलेगा, यहाँ से 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 48 का भी आंसर क्या हो जाएगा मेरे को 1। अब आते हैं 49 में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन एक डिग्री, यानी एक बोले तो ऑप्शन नंबर ए, नहीं टेन एक यानी 48 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 48 नंबर हो गया। अब इसके बाद 49 और 50, बस 2018 का टोटल क्वेश्चंस पेपर जो प्रीवियस ईयर का था वो पूरा आपका कवर हो गया, आइडिया लग जाएगा अब किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। और फिर हम लोग 2018 के बाद 2019 वाला कवर कर लेंगे। देखिए क्या बोलता है 49, बोलता है कि जिसका एक शून्य माइनस फाइव, यानी जिसका 10 माइनस फाइव है, यानी अल्फा बराबर क्या है माइनस फाइव है, ठीक है, और शून्यों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज 10 इज माइनस फाइव एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज जीरो, यानी प्रोडक्ट बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है जीरो, तो अल्फा बराबर माइनस फाइव तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा जीरो, ऊपर में अल्फा माइनस फाइव यानी बीटा बराबर जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब बोलता है क्या है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो एक द्विघात बहुपद निकालिए, इसका बताया थे आप लोगों को कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आप लोगों को बताया थे फॉर्मूला पहले। देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा था इसी में, पहले वाला लेक्चर में बताया हुआ, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो देखिए अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस फाइव प्लस में जीरो यानी माइनस फाइव निकलेगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो देवे किया तो फाइनल क्या रिजल्ट निकलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस फाइव, और यहाँ पे है एक्स तो माइनस माइनस प्लस फाइव एक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो बराबर जीरो, यही क्या निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स बराबर जीरो, ये जीरो नहीं लिखे खाली यही लिखे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 49 के बाद आते हैं हम लोग 50, 49 के बाद हम लोग आते हैं 50 नंबर, 50 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का। देखिए बोलता है एम का वह मान जिसके लिए 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एम को x माइनस 3 से विभाजित किया जा सके, x माइनस 3 से विभाजित किया जा सके तो वह खाली जगह का पूर्ण भाजक होगा, तो वह किसका पूर्ण भाजक होगा, पूरा पूरी विभाजित होना चाहिए, किस चीज से वो डिजिट पूरा पूरी विभाजित होगा वो पूछ रहा है। द वैल्यू ऑफ एम सो दैट 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एम इज डिविजिबल बाय x माइनस 3 इज एग्जैक्ट डिविजर ऑफ, किस चीज का एग्जैक्ट डिविजर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को, क्या इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एम, ठीक है, इसका एक क्या है द वैल्यू ऑफ इतना ए डिविजिबल बाय, ये x माइनस 3 से डिविजिबल है,
किससे, x माइनस थ्री से डिविजिबल, यानी इसका एक फैक्टर है x माइनस थ्री, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, x बराबर क्या आएगा थ्री। जब x बराबर थ्री तो यहाँ से m का वैल्यू अब हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू तो तीन त्याई नौ, नौ चौका छत्तीस माइनस छः गुने तीन यानी छः तेरह अट्ठारह माइनस एम बराबर जीरो से इक्वेट करते हैं, एम को एनएल आते तो छत्तीस में से अठारह घटाएंगे अठारह बराबर एम। तो देखिए एम बराबर अट्ठारह, अब ये जो एम बराबर अट्ठारह है, ये जो एम बराबर अट्ठारह आ रहा है, ये एम बराबर अट्ठारह कौन सा डिजिट से पूरा पूरी डिविजिबल है वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये एम बराबर अट्ठारह कौन सा डिजिट से पूरा पूरी डिविजिबल है, तो मेरे पास ऑप्शन है ए बराबर नौ, बी बराबर पैंतालीस, सी बराबर बीस, डी बराबर छत्तीस। देखिए पैंतालीस से अट्ठारह डिविजिबल नहीं है, बीस से अट्ठारह डिविजिबल नहीं, छत्तीस से अट्ठारह पूरा पूरी डिविजिबल कहाँ है। देखिए अट्ठारह में छत्तीस से डिवाइड करेंगे तो अट्ठारह कहाँ, अठारह एक बटा दोबारा। लेकिन अगर इस अट्ठारह में हम लोग इस नौ से डिवाइड करेंगे तो ये नौ दुनिया अठारह पूरा पूरी देखिए डिविजिबल, यानी इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी ये जो वैल्यू आ रहा है वो कौन सा डिजिट से पूरा पूरी डिवाइजर है वही हमसे पूछ रहा, पूर्ण भाजक होगा। तो पूर्ण भाजक किससे होगा, ए बराबर नाइन, यानी नौ से पूरा पूरी विभाजित होगा, यानी तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का भी आ गया के पास। तो फाइनली हम लोगों का जो 2018 का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था और मैथ का पूरा पूरी हम आप लोगों को सॉल्यूशन करवा दिए, एक एक करके, एक भी क्वेश्चंस लेफ्ट नहीं किए, एक भी क्वेश्चंस छोड़े नहीं है, पूरा 1 से 50 तक आप लोगों का पांच को सीरीज मिलेगा, पांच को वीडियोज मिलेगा, पांचों सीरीज वाला वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बस इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हम लोग कवर करेंगे, यानी 19 के बाद 20 वाला, तो 2020 वाला क्वेश्चंस पेपर हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो ठीक है, बस आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय। और सभी दोस्त लोग के पास शेयर कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक जरूर करिएगा। और कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज और बताइएगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, ठीक है ना। क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा हार्ड था, नॉर्मल था, या मतलब बहुत आसान था, ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर मान लेते आप लोग पांचों सीरीज देखे होंगे, तो पांचों सीरीज अगर अभी आप लोग को मिल जाए तो आप क्या मतलब 50 में 50 सही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में फिर वहाँ पर प्रेशर आ जाता है, एग्जाम में आप जानते हुए भी आप गलती करके आ जाते हैं, इसीलिए पहले प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पहले प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो बस, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितना आप सही कर सकते थे सो अभी, ठीक है। बस इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए।